हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये मैंने व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से पिछले ये रह गया था, क्योंकि ये पिछले ही बनाए हुए व्लॉग हैं। बीच में हम थोड़े बिजी चल रहे थे, इस वजह से जो है व्लॉग डाल नहीं पाई मैं। तो ये क्वीन है और जो मेरी फर्स्ट टाइमर बच्चिया है, ये वो ब्याह गई है यहाँ पे ठीक ठाक भगवान की दया से। और इसने अपने बच्चे यहाँ पे अपने बच्चे को जो है बच्चा दिया है इसने, बछड़ा। और उसको इसने चाट लिया था अच्छे से। और उसके बाद ब्याहने के बाद फिर मैंने इसको दिया था काढ़ा। काढ़ा कैसे बनता है ये मैंने पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है। इसमें घी, मेथी, सूंड और अजवाइन डालकर अच्छे से इसको पका लेते हैं। और गुड़ डलता है इसमें। गुड़ जो है पशु के लिए बहुत अच्छा होता है आफ्टर डिलीवरी। तो इसको जो है, इसका अर्डर जो है वो इतना जो है अकड़ा हुआ था कि मिल्किंग जो है उसके बाद हो ही नहीं पा रही थी। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वैसे पूरा जब इसको, मतलब ये ब्याने के टाइम लास्ट मंथ था इसका, तब दूध टपकता रहता था, लेकिन जैसे ही ब्याने का टाइम आया तो इसका जो ऑर्डर है वो एकदम अकड़ गया। और जब मैं मतलब इसकी मिल्किंग मैंने फर्स्ट टाइम करी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि थनों में दूध ही नहीं है, ऊपर दूध महसूस होता था, लेकिन नीचे जब जैसे थनों खींचते थे तो दूध महसूस ही नहीं होता था। तो ये शाम के टाइम की वीडियो है। तो जैसे ही डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको जो है बर्फ़ के अच्छे से टकोर करिए, तो हमने बर्फ़ के साथ इसकी सिकाई की। और उसके बाद देखिए कैसे दूध अपने आप, क्योंकि दूध जो है बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, और उसके बाद जो है फ्लो हो गया अपने आप ही। और ये जो है 5 दिन बाद की वीडियो है क्वीन के ब्याने के बाद की, क्योंकि कपिला और क्वीन के बीच में जो है 4-5 दिन का ही ब्याने के टाइमिंग में फ़र्क था। तो ये कपिला भी आ रही है और ये भगवान के दया थे से इसका हमारे पास जो है 5वां ब्याह था। तो ये बहुत इजीली ब्याह गई थी। जितना टाइम आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बस उतने ही टाइम में ये ब्याह गई थी। क्वीन के साथ जो है थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमारे पास ब्याही है और बच्चिया थी, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई और उसको बहुत टाइम लग गया था ब्याने में। लेकिन कपिला जो है वो इजीली ब्याह गई, क्योंकि ये तो पहले भी हमारे पास जो है जब आई थी तब ये ब्याने वाली थी, और 5 ब्याह इसने हमारे पास दे दिया है। और ये देखिए बेला यहाँ पे बैठी है। तो हमने इसको शाम का टाइम था, 6:15 थे जब ये ब्याही थी हमारे पास, शाम के टाइम ये ब्याही, अच्छे टाइम मतलब ठीक टाइम ब्याह गई थी। और रात को फिर इसने जो है इसके हमने पूरी रात रखी रखी, और सुबह इसने 3-4 बजे करीब जो है फिर जेर डाली थी। क्योंकि जब तक जेर पशु ना डाले तब तक तो थोड़ा ऐसे ये बोला जाता है कि आधा ब्याह हुआ ही पशु माना जाता है। तो बहुत इजीली यहाँ पर भगवान की दया से ब्याह गई थी। तो जी ये देखिए गाय जो है ठीक ठाक ब्याह गई है, और अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से चाट लिया था इसने, क्योंकि कपिला जो है वो अपने बच्चे का बहुत मोह करती है ये स्टार्टिंग से ही। और सुरभि जो मेरे पास थी पहले, उसे अपने बच्चे का ज़्यादा मोह नहीं था, और ऐसे ही क्वीन है आगे जो मेरे पास बच्चिया भी आई है, ये भी अपने बछड़े का ज़्यादा मोह नहीं करती। और कपिला जो है वो इधर उधर भी उसका बच्चा जाए तो पूरा देखती है। और ये रात का टाइम है, और बछिया जो है वो बहुत एक्टिव है, उसने खुद ही ब्याने के बाद उठ के खुद ही दूध पी लिया था, और हमें उसके साथ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले टाइम जो है बच्चे को दूध पिलाना थोड़ा मुश्किल होता है और पसीने चढ़ा देता है बच्चा। लेकिन इसने जो है बहुत एक्टिव है। और ये रात की वीडियो है, हम उधर का सारा खाना वाना खा के अपना इधर आ गए थे, और जब तक हम वहाँ होते हैं तब तक मम्मी या डैडी बैठ जाते हैं यहाँ पे, और हम अपना वहाँ काम निपटा कर फिर यहाँ पे पूरी रात, तो क्योंकि हमें ही जागना होता है। तो अब रात को जो है इतनी बारिश हुई, अभी थोड़ा मौसम मतलब हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो हमने बाकी पशुओं को बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद जो है इतनी बारिश पूरी रात चली, और नेक्स्ट डे पूरे दिन बारिश हुई, और बहुत तेज़ बारिश थी। और कल जो है चित्रा का कंपटीशन है, और कल सेमीफिनाले है और उसके बाद जो है फिनाले है। तो 2 दिन, आज की रात हमने पूरा जागना है, और 2 रातें फिर आगे हमने पूरा जागना पड़ेगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है,
सुबह के टाइम के 4 बजे हुए हैं और चित्रा को प्रैक्टिस के लिए जाना है। सुबह इसके 2 घंटे प्रैक्टिस है और फिर शाम को जो है सेमीफिनाले है आज। तो अभी मैं इसको उठा के उधर से लेके आई हूँ और उठा रही हूँ, क्योंकि इसे भी नींद बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें, जाना तो है। और ये जाएंगे इसको प्रैक्टिस के लिए लेकर, और मैं मुझे पीछे से करनी है सारी गाय भैंसों की मिल्किंग। तो आधी रात मैं जाग गई और आधी रात ये जागे, और ऐसे करके हमने जो है इसका ध्यान रखा कपिला का। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की मिल्किंग की वीडियोज़ हैं। तो मैंने अकेले ही मिल्किंग करी थी, ये चित्रा को लेकर प्रैक्टिस के लिए चले गए थे और पीछे से जो है मैंने पूरा जो है काम निपटाया। आकर फिर ये घास लेकर आएंगे, क्योंकि शाम को फिर जाया नहीं जाएगा, काम निपटाकर हमें 5 बजे तक जो है निकलना है, और काफ़ी बच्चे होते हैं वहाँ पे तो टाइम बहुत लग जाता है। डैडी को साथ में चले गया। तो जी आ गए हैं हम चित्रा को लेकर, और आज इसका जो है सेमीफिनाले है। तो यहाँ पे जो है बहुत भीड़ होती है और काफ़ी सारे बच्चे आए होते हैं तो टाइम लग जाता है। तो आज कल की रात और आज की रात हमें जागना, और कल फिनाले है तो कल की रात भी जागना है। तो 3 रातें हो जाएंगी, थोड़ा बहुत दिन में सोते हैं जितना भी सोते हैं। और उसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है 1:30 बजे रात को ख़त्म हुई, और उसके बाद जो है हम घर आए तो बहुत सुनसान होता है। और सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात होती है वो है कुत्ते, क्योंकि कुत्ते जो है पीछे लग जाते हैं रात को, क्योंकि देखिए कोई नहीं होता और डर भी बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चे का फ्यूचर का सवाल है तो जाना तो होता ही है। और ये देखिए एक डॉग यहाँ गाँव में ऐसे ही है जो एंटर करते हुए पूरा पीछे झपटता है, तो इससे मुझे बड़ा डर लगता है। लेकिन जैसे कैसे हम जो है यहाँ से निकल आए। तो जब भी हम रात को लेट नाइट आते हैं और बाइक पे होते हैं, क्योंकि बच्चा साथ होता है, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, स्पेशल चित्रा के लिए तो होनी ही चाहिए। और रात को क्योंकि डर लगता है, सब सुनसान होता है, और गाड़ी में यह है कि बंदा बैठ के आराम से जो है आ जा सकता है, ना किसी को पता चलता है कि अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि लेडीज़ के साथ जो है ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि एक गाड़ी जो है ले लें, और क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन्स जो है होते ही रहते हैं और लेके जाना पड़ता है। तो दिन में तो कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन रात को लेट नाइट जो है ख़त्म होते हैं, 1:30-2 ऐसे टाइम हो जाता है। क्योंकि अगर सुबह का 4-5 बजे का टाइम हो जाए तब तो ये है कि सब लोग जाग जाते हैं। तो ये है इसके फिनाले के बाद की जो है पिक, और ये जीत गए थे, इन्हें कैश प्राइज़ भी मिला था विद ट्रॉफी। और अगर आप इसका डांस कॉम्पिटिशन की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसे इंस्टा पर फॉलो करें।